प्रेग्नेंट लेडीज को कपाल भाती को छोड़ करके भस्त्री का डीप ब्रीदिंग करना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, नाड़ी शुद्धि, ये प्राणायाम जरूर करने चाहिए। और इसी से ही मैंने कहा, योगी और निरोगी स्वस्थ बुद्धिमान प्रज्ञावान महान संतानें माताओं की कोख से पैदा होंगी। इन्होंने रामकृष्ण को, बुद्ध, महावीर को, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह को, प्रॉफेट मोहम्मद साहब को, ईसा मसीह को पैदा किया। इन्हीं माताओं ने गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि से लेकर के स्वामी रामदेव तक आज भी पूरी दुनिया में जो भी कोई आज किसी भी क्षेत्र में जिनको बड़ी सेलिब्रिटी कहा जाता है, जो भी जिंदगी में कुछ भी बड़े हैं, सब माताओं ने ही सबको पैदा किया है। और माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि माँ एक स्वस्थ संतान को जन्म देती है तो इस धरती का बहुत बड़ा उपकार करती है। इसलिए सब माताएं बहनें प्रेगनेंसी के दौरान योग जरूर करें, ये मेरा सबसे आह्वान है। और नेचुरल तरीके से कोई प्रेगनेंसी के दौरान किसी के शरीर में सूजन आ जाए तो फिर पुनर्नवा का काढ़ा पी लें। किसी के शरीर में सूजन आ जाए तो पुनर्नवा का काढ़ा पी लें। ब्लीडिंग होने लगे तो शीशम के पत्तों को घोट करके पी लें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी एकदम से। शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, ये ब्लीडिंग को एकदम से रोक देते हैं। और गोखरू साथ में और पी लें। यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए भी गोखरू ये रामबाण है। लेडीज को बुखार हो जाए तो गिलोई लें, पैरासीटामोल, क्रोसिन भी ना लें प्रेगनेंसी के दौरान, उससे बच्चों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। पैरासीटामोल तो ऐसे लोग खाते हैं जैसे मतलब कोई प्रसाद बट रहा हो। अरे भाई गिलोई लो, माताओं बहनों को गिलोय का ही सेवन करना चाहिए बुखार आदि को उतारने के लिए। पेट गड़बड़ हो जाए तो आंवला, एलोवेरा, वीट ग्रास आदि, और हमने तो यहाँ जो है दूधी घास, संजीवनी घास, और ये दूधी घास है, दो तरह की छोटी बड़ी दूधी है, ये संजीवनी घास है, जिनका पेट गड़बड़ हो जाए, कहीं ब्लीडिंग होने लगे, ये और ये दूधी घास ये गायों को और घोड़ों को, गाय भैंसों को खिलाते थे दूधी घास, दूरवा घास बोलते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो हम अपनी चीज़ों को भूल गए थे प्रेगनेंसी के दौरान। बुखार के लिए भी दवा नहीं। यहाँ एक बहन है, उसको भयंकर खांसी होती थी, इधर आओ। अब बोले स्वामी जी आपने खजूर, कल खजूर ही खाने के लिए बोला था, खजूर और बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा चना खा लेना। कितने साल से तेरे को प्रॉब्लम थी? अनुलोम विलोम करो सब बहन, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी। क्या नाम बेटा? कीर्ति। कीर्ति, हाँ, गुजरात से। गुजरात थी अभी? हाँ। तो क्या था? 5 साल से खांसी थी। मैं जब भी बोलती थी तो फिर बोल नहीं पाती थी, एक एक सेंटेंस में तो 3-4 बार खांसी आ जाती थी। और ठंड की ऋतु में तो मैं सांस लेती थी और खांसी बंद ही नहीं होती थी। फिर क्या किया? फिर मैंने 5 साल सब लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते थे, जितने डॉक्टर्स को बताया, सारी ट्रीटमेंट ली, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। खजूर और द्राक्षी खाना और कुछ नहीं खाना, 1 सप्ताह खाया, फिर क्या हुआ? हाँ, उसके साथ जब मैंने वो कल्प कंप्लीट किया उसके बाद मुझे वो ठंड ही चल रही थी उस वक्त, तो फिर मुझे ना ही जुकाम हुआ और ना ही सर्दी हुई। अब कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को अभी इस सर्दी में ही हुआ, इस ठंड में ही मैंने किया, जनवरी में। और ये अब जनवरी से लेके अब देखो अब जून आने को हो रहा। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि मुझे कब, 1 सप्ताह में खाली खजूर और द्राक्षी खाए, बाकी सारी चीजें बंद कर दी, बस ये कल्प कर लिया। तो प्रेगनेंसी के दौरान खांसी हो जाए तो बच्चे को भी बहुत नुकसान होता है।